नमस्कार दोस्तों, सो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, 1 अगस्त अधिक मास पूर्णिमा के दिन तुलसी में बांध देना, ये एक चीज मात्र एक दिन में ही गरीबी, पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट दूर हो जाएंगे और रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी, पल भर में हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है, क्योंकि 1 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा अधिक मास की पूर्णिमा रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा तिथि है। इस वर्ष 1 अगस्त को अधिक मास की पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करने से साधक द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं, साथ ही साधक की आय, आयु और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों की माने तो अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त में 3:51 से शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त को देर रात 12:01 पर समाप्त होगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले तुलसी में बांध देना, या एक चीज बन जाओगे मालामाल और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे तुलसी में ऐसी क्या चीज है जिसको बांधने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे मालामाल। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभू लिखना ना भूले। दोस्तों, अधिक मास पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु शुभ होती है, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यहाँ एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ, क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार है। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए और
तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, कई लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधे है, बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए, और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुःख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह शुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें, और जूते चप्पल भी न उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और एक महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। दोस्त, तो इसके साथ ही हम आपको तुलसी का पौधा घर में लगाने, पूजा करने और जल चढ़ाने संबंधी नियम बताने जा रहे हैं। और यदि इन बातों का आप नियम से पालन करते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो तुलसी का पौधा कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय कार्तिक मास है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है और कहा जाता है कि यदि आप घर में तुलसी का एक पौधा लाकर कार्तिक मास में लगाते हैं तो देवी लक्ष्मी भी घर में आती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के किसी भी गुरुवार को तुलसी के पौधे को घर लाकर लगाना शुभ है। गुरुवार भगवान श्री विष्णु का दिन माना गया है और भगवान विष्णु के रूप में तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा कच्चा दूध भी चढ़ाया जा सकता है, ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी किचन या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन यह मंगल का रंग है और तुलसी बुध का कारक है, बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को
सफेद चमकीली नीली चुनरी चढ़ाना शुभ होता है। दोस्तों, आपके घर में हमेशा 1, 3, 5 या 7 की संख्या में तुलसी के पौधे होने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी इन नंबर 2, 4 में नहीं रखना चाहिए। तुलसी की पूजा प्रत्येक दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इसे छूना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण के दिनों में तुलसी को नहीं छूना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर काफी भ्रम है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के बर्तन में लगाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तुलसी के पात्र में चुने या हल्दी से श्री कृष्ण लिखना शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। ऐसे में तुलसी पूजन करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।